यह जिसे आप देख रहे हैं यह एक स्टील रूल है। इसकी सहायता से हम तार की मेजरिंग करेंगे। पहले नंबर पे है कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरे नंबर पे है वायर स्ट्रिपर, तीसरे नंबर पे है राउंड फ्लैट नोच प्लायर। यह तार एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का तार ही लेंगे प्रैक्टिकल में। यह 1.5 mm का तार होता है, देख सकते हैं 1.5 mm का तार है। सबसे पहले हम स्टील रूल लेंगे, इसकी सहायता से हम तार की मेजरिंग कर लेंगे। हमने देखे 25 mm का तार ले लिया और इसे हम काट लिए। कट करने के बाद एक बार और इसे कट करेंगे दो हिस्से में, ये दो हिस्से में हमने इसे कट कर लिया। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन प्लायर से इसके सिरे को थोड़ी मोड़ देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, जिससे इसका एल्युमिनियम का भाग पूरा ना निकल पाए अंदर का। इंसुलेशन बस हटाना है इसका ऊपर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम वायर स्ट्रिपर की मदद से इसका इंसुलेशन हटा लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम हटाएंगे इंसुलेशन। देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर ले लिया, अब इससे हम निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसे निकाल लेंगे, पूरी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जो दूसरा तार काटे हैं उसे हम उसका इंसुलेशन हटाएंगे। देखिए आगे का सिरा हटाएंगे, पहले हम बीच का हटाए थे, अब इसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से इसे मोड़ना है, मतलब ट्विस्ट करना है बहुत ही बारीकी से, जिससे कि हमें गैप ना दिखे। इस प्रकार से हम इसे कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से भी ट्विस्ट करके अच्छे से बना लेंगे। इस प्रकार से अच्छे से आप पूरा बारीकी से ध्यान दे के ही करें। और जो हमने पहले मोड़ा था, ट्विस्ट किया था, उसे हम सीधा कर देंगे। ये नहीं समझिए कि हमने इसे मोड़ा ही था, इसे खोलना है कुछ इस प्रकार से। फिर आपका एल्युमिनियम तार का टी ज्वाइंट इस प्रकार से आपका दिखेगा, इसे हम टी ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार टी ज्वाइंट बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।